नमस्कार, आप देख रहे हैं द फोर्थ स्टेट न्यूज नेटवर्क और महाराजा हरि सिंह जी का जन्म दिवस, जिसको लेकर पिछले काफी समय से लगातार छुट्टी की डिमांड की जा रही थी। ऐसे में पिछली बार भी एलजी साहब का आश्वासन मिला, लेकिन कैलेंडर जब आया नए साल का तो उसमें कहीं पर भी महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर छुट्टी घोषित नहीं की गई, जिसके बाद लगातार विरोध हर एक तबके से जम्मू के देखने को मिला। जब पूरे जम्मू कश्मीर में हर एक जगह पर इसका विरोध देखने को मिला और फिर डिसाइड किया गया आज का दिन, आज से कुछ दिन पहले, कि 10 तारीख को प्रदर्शन के लिए युवा राजपूत सभा जो है वो हर एक जगह पर इसको लेकर प्रदर्शन करना शुरू कर देगी। और कल देर रात लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी के ऑफिस की तरफ से एक कॉल आता है युवा राजपूत सभा के काफी कुछ मेंबर्स को, और उन्हें बुलाया जाता है वहां पर एक कमेटी भी गठित करने की बात होती है, और साथ ही साथ आश्वासन दिया जाता है कि इस छुट्टी को लेकर कुछ ना कुछ जरूर किया जाएगा। जिसके बाद आज युवा राजपूत सभा के द्वारा तवी पुल पर ही एक बात कही गई कि फिलहाल ये जो प्रदर्शन है इसे डिले कर दिया गया है, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने इस चीज को लेकर आश्वासन दिया है। और इस सब पर बात करने के लिए एक्सक्लूसिवली इस वक्त मेरे साथ मौजूद है राजन सिंह हैप्पी जी, जो कि प्रधान है युवा राजपूत सभा के। सर, स्वागत आपका द फोर्थ स्टेट में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी। सबसे पहले तो जानना चाहूंगा क्या कल की मीटिंग में हुआ है, कल जो मीटिंग हुई देर रात, क्या कुछ उसमें हुआ है? देखिए, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले लगभग एक महीने से युवा राजपूत सभा के सारे सदस्य, कोर कमेटी टीम, जितने भी अहदेदार हैं, भिन्न भिन्न जगहों पर जाके यहाँ उन्होंने रियासी तक, जहाँ तक हम पहुँच सकते थे वहाँ पर पहुँचे और लोगों से अपील की कि महाराजा हरि सिंह की छुट्टी भी हमारा साथ दीजिए। और मैं बड़े दावे के साथ, बड़ी दिल की गहराइयों से लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने दिल की गहराइयों से हमें, हमारा भी स्वागत किया और उन्होंने हमें बहुत शाबाशी दी कि कोई तो है जो महाराजा हरि सिंह के मुद्दे पर गवर्नमेंट से लड़ाई कर रहा है। तो हमने पूरी तैयारी कर ली थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राशन से लेकर टेंट तक हमने सब कुछ प्रोग्राम पूरा करके फिर हमें रात को, कल शाम को एलजी साहब पता नहीं दुबई से आते हैं और हमें फ़ोन करते हैं, हमें फ़ोन करके वहाँ पे कॉल आती है कि एलजी साहब से मीट करनी है, हम जाते हैं वहाँ पे। लगभग आधे पौने घंटे में एलजी साहब से बात होती है। तो हमने बोला सर, पहली बार भी हम गए, दूसरी बार भी गए और ये हमारी तीसरी मुलाकात इसी मुद्दे पर। एलजी साहब की तरफ से जैसे कि मुझे लगता है हमें कुछ अच्छा रिस्पॉन्स मिला। उन्होंने बोला है कि बड़ी जल्द ही, आज कल हम मिले थे, आज उन्होंने बोला इस पर कमेटी फ्रेम हो जाएगी और मेरे को लगता है कि आज वो अपनी कैबिनेट से या सेक्रेटरी से आर्डर भी निकालेंगे कि इस पर जो है कमेटी फ्रेम हो जाए। तो उन्होंने भी माना कि ये जम्मू की आस्था के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है, जम्मू के डोगरों की भावनाओं के प्रति जो महाराजा का प्यार है, उनको सच्ची श्रद्धांजलि का ये वक्त है। लेकिन जो कानूनी दाव पेच होते हैं, जो बारीकियां होती हैं, उन्होंने बोला कि ये कानूनी प्रक्रिया हम बड़ी जल्द ही पूरी करेंगे और आपको आश्वस्त करते हैं कि अब बड़ी बड़ी चेयर है जम्मू की, मेरे ख्याल से फर्स्ट चेयर एलजी साहब हैं, अब वहीं पर जाके वो हमें आश्वस्त करते हैं, अब उनका तो मान हमने करना ही है। बड़ी, जब हम 8 बजे वहां से निकले हैं, उसके बाद हमारी 2 कोर कमेटी की मीटिंग हुई, फिर जाके हम ये लोगों को समझा पाए हैं, नहीं तो लोग बोल रहे थे नहीं छुट्टी लेके ही जाना है। फिर भी जम्मू के लोग, जो खंड मीठे लोग डोगरे हैं, ये सबकी बात मानते हैं, मानने वाले लोग हैं, न्यायप्रिय लोग हैं, हम गवर्नमेंट को झुका के छुट्टी नहीं लेना चाहते, हम प्यार बांटने वाले लोग हैं और चाहते हैं कि गवर्नमेंट भी अपने तरीके से जो छुट्टी लॉन्च करे। किसी को भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जे लोगों ने, महाराजा जो थे वो एक दूरदर्शी नेता थे, जम्मू कश्मीर, लेह, लद्दाख, यूटी सबके महाराजा थे, उनके नाम की छुट्टी जैसा कि हमें लगा है, उन्होंने बोला कि ये दबाव में नहीं देना चाहिए, हम बड़ी जल्दी ही कमेटी बना के आपको जो छुट्टी है वो लॉन्च कर देंगे। तो एलजी साहब का मान रखने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो बात हुई है, तो जैसे हमें लगता है कि जो पहली सीढ़ी है महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी की, वो हम चढ़ चुके हैं, अब ये कारवां रुकेगा नहीं। हमने जो अपनी प्रोटेस्ट की कॉल थी, जो हमने तवी वाले पुल पे बैठना था, टेंट लगाना था, वो हमने कुछ देर के लिए डिले किया है, बंद नहीं किया है, कि मतलब ये है कि सीधा सीधा कि हमने एलजी साहब की बात मानी है, अब ये देखना है कि ये एलजी साहब कि जम्मू के लोगों की बात मानते हैं
या जम्मू की डोगरों की भावनाओं के साथ उनकी कदर करते हैं, या युवा राजपूत सभा ने जो सब लोगों को मिलके साथ लेके एक महा आंदोलन की तैयारी हमने कर ली थी, वो एलजी साहब के आह्वान के वजह से हमने जो बंद की है, इसका भी उनको ध्यान रखना चाहिए कि आखिर कब तक ये, एक बार दो बार हम तो बातें उनकी मान रहे हैं। उसी चीज पे आना चाहूंगा, पहले भी आप जा चुके हैं, आश्वासन पहले भी मिला, लेकिन जब कैलेंडर आया उस कैलेंडर में कहीं पर भी छुट्टी नहीं थी, तो अब एक बार फिर से आपको बुलाया गया और वहां पर एक बार फिर से आश्वासन दिया गया है और कमेटी भी गठित करने की बात की गई है, तो ऐसे में क्या लगता है आपको, क्या इस बार ये आश्वासन पूरा हो पाएगा या फिर एक बार फिर से कोरे कागज की तरह रह जाएगा? देखिए, वो बहुत बड़ी चेयर की मान और सम्मान की बात है, मुझे लगता है कि एलजी साहब से मुंह से निकले हुए लफ्ज वो मामूली लफ्ज नहीं होने चाहिए। उन्होंने हमें कहा, आश्वस्त किया है, तो हमने ये स्ट्राइक वापस लिया है, हमने ये प्रोटेस्ट बंद किया है। अगर नहीं तो उनके दरवाजे भी खुले हैं, हमारे भी, हमारी तैयारी भी पूरी है। हम जो जुबा राजपूत सभा की कार्यकारिणी बैठक है, अभी आप देख लीजिए बैठे हुए हैं, इसमें ये डिसीजन हो रहा है कि आने वाले दिनों में हम जो अपने लोगों के लेके जो हमारी प्रति प्यार जगा हुआ है, हम उसको ठंडा नहीं होने देंगे, लोगों के पास जाएंगे और इस मुद्दे को, इस छुट्टी के जो गरमाया हुआ है, इसको हम चाहते हैं, नहीं चाहते कि गवर्नमेंट दबाव पे आके ये ऐसा दबाव बनाया जाए कि ये मजबूर हो जाए। हम चाहते हैं कि जो महाराजा के प्रति प्यार है, उनकी भावनाएं, जो दिल्ली सरकार, जैसा कि हमें माननीय महोदय ने कहा है, जैसे पहली बार हम गए थे वो बात हमारी उन तक पहुंची थी, इस बार हमें लगता है ये बात दिल्ली तक पहुंच चुकी है, माननीय एलजी साहब ने वहां तक पहुंचा दी है और उन्होंने वो बोल रहे हैं आप हमें आश्वस्त रहिए, बड़ी जल्दी जो कानूनी प्रक्रिया पूरी होकर आपको छुट्टी मिल जाएगी। क्या लगता है आपको, जो कैलेंडर है, जो कैलेंडर ऑलरेडी निकल चुका है, उसमें बदलाव होगा या फिर अगले साल के लिए जो छुट्टी है वो अनाउंस की जाएगी? देख लीजिए, ये सालों के बड़ी देर या बड़ी सालों तक, बड़े महीनों तक रुकने वाली ये मुहिम नहीं है। थोड़ा वक्त बाउंड तो हम एलजी साहब को नहीं कर सकते, लेकिन वक्त तो देना पड़ेगा। अगर उन्होंने उस शेर की मान और सम्मान की बात की है, अब हम जाएंगे 13 को, आपको मैं बता दूं 13 तारीख को लोहड़ी का जो त्यौहार है, जुवा राजपूत सभा 5:30 बजे महाराजा हरि सिंह के स्टैचू के सामने लोहड़ी बनाएगी और दिन प्रतिदिन हम अपनी तरफ से इनको याद करवाते रहेंगे कि ये जो मुद्दा है या छुट्टी का, ये कोई मामूली मुद्दा नहीं है, ये जो भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। मैं एलजी साहब से भी अपील करूंगा कि आपने जो फैसला लिया है जम्मू की आवाम का हितों का ख्याल रखते हुए, जल्द से जल्द इसको पूरा किया जाए, क्योंकि जम्मू के जो लोग हर तरफ से निराश हैं, एक जो आशा की किरण उनमें आपकी तरफ से जगाई गई है, इसको बड़ी जल्द ही मेरे ख्याल से आपने पूरा करना चाहिए। एक चीज़ और जानना चाहूंगा आपसे, इन केस अगर पिछली बार की तरह एक बार फिर से आश्वासन ये वाला झूठा साबित होता है और फिर से वैसे ही होता है कि छुट्टी नहीं दी जाती, तो उस केस में युवा राजपूत सभा का अगला कदम क्या होगा इसको लेकर? देखिए, इस वक्त हमारे साथ जो लगभग तकरीबन जूस ही हमारे साथ जुड़ा हुआ है, तो कोरोना की वेव भी थी एक, दूसरी तरफ एलजी साहब के बुलाने पे हम वहाँ पे गए हैं और उन्होंने हमसे थोड़ा सा वक्त मांगा है। मेरे ख्याल से इतनी बड़ी चेयर का सम्मान जो हमने किया है, हमें वो निराशा नहीं देंगे। अगर उनकी तरफ से कोई निराशा की उम्मीद हमें लगी तो हमारे टेंट तैयार हैं, ये जो हमारी फौज है जो राजपूत सभा की, ये भी तैयार है आपके सामने, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, उसके बाद बार एसोसिएशन, वेयर हाउस की जो मार्केट के एसोसिएशन का प्रधान है उनका, मैं बाला साहब ठाकरे जो शिवसेना है, एकजुट जम्मू है, मुस्लिम कम्युनिटी की मुस्लिम लीग है, नवाब एडवोकेट शाह नवाज हुसैन जी, इन लोगों ने सब ने जो समर्थन दिया है, ये कोई एक कम्युनिटी की या एक संस्था की आवाज़ नहीं, ये बहुत बड़ा ग्रुप लगी। अगर इन्होंने बाद में हमें इलेक्शन दिखाई या कुछ और दिखाया तो इसके परिणाम उनको भुगतने पड़ेंगे। हम ये मुहिम को ठंडा नहीं होने देंगे, घर घर जाके जिस किसी ने भी हमारे खिलाफ कोई भी कार्रवाई की या इस छुट्टी के लगा कि हमें खिलाफत कर रहे हैं, हम उसके खिलाफ सड़कों पर जाएंगे। हम किसी एक पार्टी का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि आपने देखा वहां पे कि आपने पार्टी की बात की है, ऐसे में जानना चाहूंगा आपसे, हमने पिछले काफी सालों में देखा
कि छुट्टी की डिमांड होती थी लेकिन छुट्टी पूरी नहीं हो पाती थी, और अभी भी वैसा ही है, अभी तक छुट्टी इसको लेकर घोषित नहीं हुई। हालांकि एलजी साहब की तरफ से आश्वासन जरूर दिया जा चुका लेकिन अभी तक छुट्टी घोषित नहीं हो पाई है। ऐसे में क्या लगता है, क्या कश्मीर के नेताओं का कुछ इस पर प्रेशर था कि छुट्टी इस चीज पर घोषित ना हो? देख लीजिए, जो बात हमारी भी यही बात सोच थी, लेकिन जब एलजी साहब से बात हुई उन्होंने बोला कि आपको भी अभी भी लगता है कि कश्मीरियों का डर है। वो जिस तरह उन्होंने बोला, हमें आश्वस्त हुए हैं तो हम इसलिए यहाँ पे बैठे हुए हैं आज वहां से उठ के। अगर हमें थोड़ा भी यकीन नहीं होता तो हम वहां से नहीं उठते। जैसा कि आपने बोला कि कश्मीरियों का डर, कश्मीरी भी तो महाराजा के परिवार के हिस्से, उनको भी तो तिरंगा उठाने का हक महाराजा साहब ने दिया हुआ है। तो मेरे को लगता नहीं है कि ये बहुत बड़ी कोई मुश्किल है इसमें छुट्टी देने में, लेकिन कानूनी प्रक्रिया जो होती है वो सेक्रेटरी से आज शायद वो निकालेंगे, कमेटी बनाएंगे। और ये भी कमेटी, हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि कमेटी का वो वैसी कमेटी मत बनाएं कि जो सालों साल हम उनको वेट करते रहें, इस पर बड़ी जल्द ही फैसला दें, क्योंकि जम्मू के लोगों का जो गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मैं युवा राजपूत सभा के प्रधान होने के नाते मेरे में भी इतनी पावर नहीं है कि मैं उनको शांत कर सकूं। जब तक होगा शांत रहेंगे, कोशिश करेंगे, तो अब की बार ना तो हम उनको बताएंगे ना ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जब तक हम लगेगा कि ये पटरी से कोई थोड़ा हमारा मुद्दा नीचे उतर गया है, तो उसी दिन सुबह आप जब उठोगे तो आपको युवा राजपूत सभा पुल के ऊपर दिखाई देगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया जी, मैं आपके माध्यम से ये जम्मू के डोगरों को हाथ जोड़ के ये अपील करना चाहता हूँ कि आपके जहाँ भी कोई फंक्शन हो सके तो लोहड़ी का जो त्यौहार है जे हम जब स्टैचू पे जाएंगे तो वहाँ पे आके मनाएं, नहीं तो अपने अपने घर में जब मनाएं तो महाराजा जी का गुणगान करें, क्योंकि ये सरकार तो चाहती है कि छुट्टी दे। अब पता नहीं वक्त क्या है या कौन सा वक्त ये मुकर्रर करते हैं, बड़ी जल्दी ही जैसे एलजी साहब ने कहा हमको खुशखबरी मिलने को सुनने को मिलेगी। इसके साथ जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर। ये थे मेरे साथ युवा राजपूत सभा के प्रधान श्री राजन सिंह हैप्पी जी, जिन्होंने कहा कि इन्हें पूरी पूरी उम्मीद है कि एलजी साहब ने जो कल रात को आश्वासन दिया है उसके बाद छुट्टी का ऐलान जरूर होगा और कैलेंडर में बदलाव जरूर होगा, लेकिन अगर कहीं पर भी ये मुद्दा पटरी से उतरता हुआ नीचे दिखा तो एक दिन रात को जब सोएंगे सब लोग, उसके बाद दूसरे दिन जब जागेंगे तो युवा राजपूत सभा की तरफ से तवी पुल पर टेंट लगाकर ये सब लोग वहां पर बैठे होंगे और तब तक वहीं पर बैठे रहेंगे जब तक छुट्टी का ऐलान नहीं हो जाता। इस सब पूरे मुद्दे पर आप लोगों का क्या कहना, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, जय हिंद।